पहले संगीत में चलते फिर उसके बाद टाइम मिला। फ्री में जहर भी मिल जाए वहां पे घुस जाएंगे मैडम। मॉर्निंग गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ममता परिहार व्लॉग्स पे। सब कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे और हम लोग भी एकदम मस्त है। सुबह के बजे 10, तो 10 बजे से मैं अपना व्लॉग आज फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो अभी देखो गाइज, आज बहुत प्यारी धूप आई हुई है यहाँ पे और पहाड़ एकदम साफ एकदम क्लियर दिख रहे हैं ना। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं बाहर पे और खाना वगैरह हमारा साथ में बन रहा है और यहाँ पे मेरी बाबू खेल रही है, ये देखो उसको लग रहा है ये मैं मम्मी है और मैं मम्मी को ऐसे बोल रही हूँ कि मेरे को दूध दो, ऐसी करती है हमेशा जब इसको भूख लगती है ना। तो ये भी धूप सेक रही है, ज्योति मैडम भी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। हाय गाइस, गाइस क्या हो रहा है ये? सो अभी मैं ना किचन में तेल चढ़ा के आई हूँ और मैं लेने आई थी इसको, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अब मम्मी हाय कर दो। हेलो, हाय गाइस, कैसे हो, क्या कर रहे हो? सर्दी के दिन है, धूप सेको भाई, खाओ पियो धूप सेको। हाँ, और हम आजकल नाश्ता नहीं बना रहे, जैसे कि मैंने परसों भी बताया था, नाश्ता नहीं बना रहे, सीधे दिन का खाना ही बना रहे। और मैं तेल चढ़ा के यहाँ बाहर गई हुई थी, लाई का काफा बनाएंगे वो, अभी मैं कर लेती हूँ, पहले सब्जी वगैरह बना लेती हूँ। तो आज मैं लग रही हूँ ना अच्छी, क्योंकि आज मैंने मूड होया है और मैंने सोचा यार मैं तो रोज़ रोज ऐसी बिना मूड हुए वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए आप मेरी वीडियो नहीं देखते हो ना। तो मैंने सोचा क्या पता अगर मैं भी थोड़ा सा बन ठन के मूड हो के वीडियो स्टार्ट करूँ तो क्या पता आप लोग मेरे पे मेहरबान हो जाए। वीडियो देखो यार, इतने पहले सब्सक्राइबर कम थे, वीडियो ज़्यादा लोग देखते थे, अब मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए, अब वीडियो कम देखते हैं, पता नहीं कैसा, मतलब समझ नहीं आया मुझे ये चीज़ ना। उससे थोड़ा ठंड बढ़ गई ना सुबह शाम, तो टोपी जैकेट वगैरह निकल गए हमारे भी, तो अब लग रहा है कि हाँ ठंडी आ गई है थोड़ी थोड़ी। हाँ, पहाड़ों में ना ऐसी ठंडी ना हल्की हल्की ठंडी सितंबर में ही स्टार्ट हो जाती थी, आजकल तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, वहाँ दो दो तीन दिन पहनने पड़ते, लेकिन यहाँ देखो अभी दिन में धूप में बैठेंगे ना ये भी उतर जाएगा। अब लगा लो मौसम के क्या हाल हो रहे हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ ये, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको, ठीक है? गाइस खाना तो बन गया और हम खा रहे हैं रोटी जिसमें मैंने मक्खन रखा हुआ है। लो तुम्हारी, ऐसे खाने में कितना मजा आता है ना, पहले से भी हम ऐसे ही खाते थे रोटी में रख के बर्तन धोने का कोई झंझट ही नहीं होता है, रोटी में रखो खा लो फटाफट। माफम गाइस, नहा धो के आ गई हूँ मैं और हम लोग अब खाना खाते हैं पहले, फिर उसके बाद हमें तैयार होना है, मैं और ज्योति जाने वाले हैं और फिर हम तैयार होके कहाँ जा रहे हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो अभी हम लोग फटाफट खाना खाते हैं, अभी टाइम भी हो गया, एक बजने वाला है, 12:30 हो गया मतलब, तो हमें जाना है एक बजे तक जाना है। सो गाइस, हम लोग हो गए हैं रेडी, मैं निक्की और ज्योति जाने वाले हैं साथ में, तो निक्की मैडम हमारी हो गई हैं। कितना प्यारा लुक लग रहा है सूट पे, बिंदी, हाय 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 हाय, और ज्योति मैडम भी आ गई हमारी। कहीं मैंने इनको एक शॉट लेने के लिए बोला, वो भी नहीं लिया जा रहा है इन लोगों से, बताओ 3 बार मेरे को यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब हम चलते हैं और आप लोग भी इंजॉय करना, हम लोग भी जा रहे हैं, आपको भी लेके चलती हूँ, कमेंट कर देना कैसे लग रहे हो हम तीन बंदर। फोटो भी खिंचवानी थी यार, लेकिन अभी पहले संगीत में चलते फिर उसके बाद टाइम मिला तो फिर खिंचवा लेंगे, ठीक है? ठीक है गाइस, मैं मोटी तो लग रही हूँ, नहीं लग रही पक्का? साड़ी नहीं लग रही। ज़ुल्फ जो बिखरी है रहने दो, कोई जो कुछ कहे कहने दो। कैसे हो, हाय कर दो। दिल में है उठ रही जो लहर, रोको ना अब उसे बहने दो। गैस बड़ी मुश्किल से हमें यही सीट मिल गई है यहाँ पे, बड़ी जद्दोजहद के बाद। और जैसे ही हमें बैठने के लिए सीट मिली, वहाँ पे होती है दुल्हन की धमाकेदार एंट्री, ढोल नगाड़ों के साथ पंजाबी लुक में।
सो उसके बाद आंटी लोगों ने डांस वगैरह किया। फिर उसके बाद दुल्हन के एंट्री होने के बाद महिला संगीत स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद दुल्हन की मम्मी यानी कि आंटी जी डांस करती हैं, बहुत प्यारा डांस करती हैं। ये देखो बहुत सुंदर, जितनी सुंदर है ना उससे भी अच्छा डांस कर रही थी। प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो, की मम्मी का डांस। गाइज मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहले मैंने वीडियो अपलोड तो कर दी थी लेकिन उसमें रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, इसलिए मैं सॉन्ग ज़्यादा सुना नहीं सकती आप लोगों को। फिर दूसरे गाने में वो डांस करते हैं जो कि मेरा फेवरेट है, बन्नो रे बन्नो मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई। फिर मुझे वही दिन याद आ जाते हैं जब मेरी शादी हुई थी, अपनी मम्मी की याद आती है, अपने घर वालों की याद आ जाती है। बहुत इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। डांस तो मैंने सबका एंजॉय किया, जो ये प्यारी सी बच्ची थी ना इसको देख के मुझे अपने सनाया की याद आ गई, बताया आपको। और मैंने इसको इतना एंजॉय किया, इसके डांस को, कितनी प्यारी लग रही थी। मेरा नाम है चुन 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 सॉन्ग भी अपने जैसा चुलबुला सा चुना हुआ था उन्होंने, है ना। गाइस सोलो डांस तो बहुत लोगों ने किया था लेकिन मैंने सबका डाला नहीं क्योंकि व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था ना। और हम लोगों का अलग ही चल रहा था, एक वीडियो के चक्कर में हमने पूरी सीट जो है आगे बैठे हुए थे, फिर कुर्सी चेयर में बैठे, फिर उसके बाद हमने अपना चेंज करते रहे तब जाके वीडियो बना पाई हूँ दोस्तों मैं। फिर उसके बाद होती है दूल्हे राजा की धमाकेदार एंट्री जो कि दुल्हन को कर दिया था सरप्राइज, हम लोग भी सरप्राइज हो गए थे। फिर पहले तो हम लोग पहचान नहीं पाए, फिर उसके बाद हमने उनके हाथ में रुमाल बंधा हुआ देखा क्योंकि ऐसा माना जाता है ना हमारे उसमें भी, जब माना जाता है कि जो कंगन वगैरह होता है उसको दिखाते नहीं है जब बाहर जाते हैं, तो तब जाके हमने पहचाना कि ये दूल्हे राजा होंगे। फिर उसके बाद फिर जैसे ही दूल्हे राजा संगीत में आते हैं वैसे ही दुल्हन का डांस स्टार्ट हो जाता है।
देता हूँ। सबको लात गुस्से हुए मारते क्यों जा रहे हो? नाते क्या ऐसे बिल्कुल सबसे मटक मटक के किधर से शुरू करे गाइस, किधर से शुरू करे गाइस, किस तरह से शुरू पता नहीं चला। निकी क्या खाना पसंद करोगे? घर जाना पसंद करूंगी। गाइस मेरे एक विश थी कि मोमो मिल जाए इधर पे, और मोमो मिल भी गए देखो। चलो गाइस टूट पड़ो। मोमोज कितने दिए? कितने के दिए? ज्योति क्या बोली भैया मोमोज कितने के दिए बोल रहे? यही बैठ गए आप हैं? क्या लेके आना है? एक डोरा और खा लूंगी मैं। रुको मैं बता दूँ, ये वो चल रहा है, मैं बताऊंगी कि यहाँ क्या मिलता है। चलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। छोले भटूरे, ये देखो यही तो ढूंढ रहे तब से हम लोग। ज्योति कहाँ गई? जो जो गोलगप्पे बोल रही थी वो है कहाँ? कई गुलाब जामुन के कंटेनर में उसको डुबकी तो नहीं लगा ली? हम ले लेते आज ही लेके। तुम ज्ञान में आंटी के लिए भटूरा लेके अच्छा इतना तैयार हो गया, हम ये कटोरा पकड़ने के लिए। फ्री में जहर भी मिल जाए वहाँ पे घुस जाएगी मैडम। 304 गोलगप्पे चट कर चुकी है मैडम। 304 ये पाव भाजी है और ये हमें इसका टेक्सचर देखिए कितना। इसको इसमें ऐसे डिप करना है, ऐसे बनाना है। ये गाइस ये भी हमने, और ये पाव भाजी, और ये हमारी पार्टी हो रही है। खाओ खिलाओ खाके एंड गप। आइटम खत्म नहीं हो रहा है, फिर अब क्या खाना है? भाई साहब रेस्ट करो थोड़ा, इसको रेस्ट दो, रेस्ट। डाइटिंग में है कहने वाले लोग, ये डोसा पे डोसा उड़ाए जा रहे थे। हाय गाइस, हाय गाइस, भाभी का चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक यू। ले लो यार, बोले भैया ये ले लो बोले। आई होप ये वाला लास्ट होगा हमारा, मेरी तरफ से तो लास्ट है, इन लोगों का पता नहीं। भाभी ने मानना पड़ेगा इन्हें, भाभी ने इन्होंने जितने फ्लेवर है उतने डाल दो भैया, जबकि कुछ था ही नहीं उसमें। गाइस फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं घर को। शर्म वाली बात हो गई, जब से कोई नहीं आया था ना तब से एंटर किया था ज्योति ने और लवी ने। मैंने हम तो बाद में आए, मैं और निक्की। निक्की तो पहुंच गई घर में। बाय गाइस, हम लोग भी घर पहुंच गए हैं अभी, और हाथ पे पैसा है थोड़ा सा। हम मम्मी के लिए कुछ लेके आए हैं क्योंकि हमने तो खा लिया था, तो मम्मी के लिए भी कुछ लेके आए हैं ऐसे ही, मतलब सभी ले जा रहे थे तो हम भी लेके आ रहे। तो देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे, एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा। मम्मी घर से जल्दी जाओ करके 3 बजे गए घर से, सबसे लास्ट में आते हैं। 6 बजे आए अभी घर से, हो गए 7 बजे। सो गए हम लोग घर पहुंच के, कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए हैं और बाबू को भी सुला दिया है। घर आती चार्ज भी खत्म हो गया था, तो मैंने थोड़ा बचा के थोड़ा घर तक आ ही गया था मतलब। और ज्योति भी यहाँ मेरे पैर पता नहीं क्यों छू रही है। सो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो को एंजॉय किया है, तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, टाटा, टेक केयर गाइज।